दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं और इस बीच में कई बड़ी खबरें हैं जो हम आपको इस पूरे बुलेटिन में लगातार देंगे। बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज ही अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी, चूंकि उन्होंने वहां पर गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी की टीम आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने वाली है। पीएमएलए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, कस्टडी मांगी जाएगी। रात भर केजरीवाल लॉकअप में सो नहीं पाए और उनको घर से बताया जा रहा है कि कंबल और दवाइयां दी गई थी जो उन्होंने मंगाई। और कल रात 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब सतर्क है। शाम 6 बजे तक आईटीओ मेट्रो स्टेशन को बिल्कुल बंद रखा गया। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में पहुंचे हुए नजर आए थे। कुछ को हिरासत में लिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। रात में तो सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज कोर्ट खुलते ही बताया जा रहा है कि अर्जेंट हियरिंग हो सकती है इस मामले में। तो कुछ ही घंटों में इस पर सुनवाई है। तो दिल्ली में राजनीति अपने चरम पर है। पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी ने यह पोस्टर जारी किया है और इसमें कट्टर करप्ट बताया गया है आम आदमी पार्टी को, जिसमें बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के दिखाई दे रहे हैं जो इसमें जेल में। अब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पकड़ा हुआ है और हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज जैन हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ हैं। पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या वहां पर बंदोबस्त, क्या वहां पर तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि जबरदस्त इंतजाम सुबह से आप दिखा रहे हैं वहां है? बिल्कुल, पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए हैं, अब उन बैरिकेड से किसी भी वाहन को अंदर जाने की मनाही है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जो वाहन है वही हमें अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट मैं यहाँ पे राजीव आपको दे दूं, तस्वीरों में हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे आईटीओ का ये मेट्रो स्टेशन। आईटीओ का जो आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं, ये आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद करने का ऐलान दिल्ली मेट्रो ने कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि मेट्रो स्टेशन के जरिए भी अगर प्रदर्शनकारी पहुंचना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका इंतजाम यहाँ पे कर लिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि ट्रैफिक पुलिस को भी व्यवस्था दी गई है कि कोई भी वाहन अंदर ना जाए। और यहाँ पंकज मिश्रा, जल्दी से आप दर्शकों को बता दें, क्योंकि सुबह सुबह लोगों के ऑफिस निकलने का समय है, कितने रूट पर इसका असर पड़ा है, कौन कौन से रूट पर वाहनों को डाइवर्ट किया गया, ये भी जल्दी से बताएं, क्योंकि आईटीओ तो व्यस्ततम मार्गों में से एक है। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आईटीओ आप देख रहे हैं सामने, यानी कि लक्ष्मी नगर की तरफ से आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनसे आपको इंडिया गेट होके या मंडी हाउस होके ही जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डीडीयू मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, वहां से कनाट प्लेस जाना चाहते हैं, या इस रास्ते पर कहीं आपका दफ्तर है, तो आप अपना वाहन नहीं लेकर जा सकते हैं। राजीव, ठीक है पंकज, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी भी हैं, ईडी दफ्तर पर हिमांशु है, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त आशुतोष हैं, वहां किस तरह के हलचल हैं आज? आशुतोष, किस किस के पहुंचने की वहां पर संभावना है? क्या आप लीडर्स भी जुट रहे हैं कहीं पर? नहीं, फिलहाल केजरीवाल के घर पर आप नेताओं का जमावड़ा नहीं है। बीती रात तो सब यहाँ पर थे ही, कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर आए थे। आज सुबह सिर्फ बैरिकेड है, पुलिस है, मीडिया वालों को भी सीएम के घर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। दोनों रास्ते जो फ्लैगस्टाफ रोड दोनों बंद कर दिया गया है। अब यहाँ कोई जमावड़ा भी नहीं, ना यहाँ कोई प्रदर्शन है, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी नहीं जाने दिया गया है दरवाजे के बाहर तक, और पूरा फ्लैगस्टाफ रोड जो बंद कर दिया गया है। अब राहुल गांधी की ये संभावना जताई जा रही है कि चूंकि उन्होंने रात को बात की थी परिवार से, सुनीता केजरीवाल जो कि सीएम की पत्नी है, उनसे बात की थी, तो परिवार के साथ क्या वो मिलने आ सकते हैं? दूसरे कई गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, ये संभावना जरूर है कि वो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके आने की कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें दरअसल आज होंगी सुप्रीम कोर्ट पर और साथ ही राउज़ एवेन्यू कोर्ट पर, लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस का बंदोबस्त है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 बजे आह्वान किया है तमाम कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, नेताओं, विधायकों के जमावड़े का कि वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ठीक है आशुतोष, लौटते हैं आपके पास। हिमांशु, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त हैं, पहले मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो आम आदमी पार्टी जो बातें कह रही है, ऑपोजिशन के जो लीडर्स बातें कहते हैं, वो कहीं मेल नहीं खाते हैं। खासतौर पर आप कोर्ट भी गए, आप समन पर नहीं जाते हैं, कोर्ट आप गए कि आपको गिरफ्तारी से छूट मिले, लेकिन आपको छूट नहीं मिली। बाकायदा कोर्ट ने ईडी से सबूत मंगवाए, चैंबर में सारे सबूत देखे, उसके बाद ये निर्णय आया। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें हैं ऐसी जिसने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, यानी कि पाक साफ कहना वो भी जल्दबाजी होगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पूरे मामले में जांच जारी है और ये आम आदमी पार्टी के पहले बड़े नेता नहीं है। इसके पहले दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो कि 13 महीने से ज्यादा से जेल में हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और चेहरे संजय सिंह जो कि सांसद थे, वो 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर है। इन दोनों नेताओं ने लगातार कोशिश की कि उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और अब अरविंद केजरीवाल 9 सम्मनों पर उन्होंने उसे इलीगल बताया और कोर्ट गए। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और आज जब कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो किस तरीके के सबूत ईडी कोर्ट के सामने रखती है। हालांकि इसके पहले ईडी ने कोर्ट के सामने जब गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए पहुंचे थे केजरीवाल, तो वहां पर उन्होंने ईडी ने सबूत रखे थे, लेकिन आज अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने रख करके ईडी रिमांड की मांग करती है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड की मांग करेगी। इस दौरान अगर हम बात करें तो यही इसी ऑफिस में के कविता भी मौजूद है, तो आमने सामने बिठा कर भी पूछताछ की पूरी संभावना यहां बन रही है। अब यहां पर अगर कोर्ट के लिए निकलते हैं, अगर कोर्ट ले जाते हैं, सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद अगर एजेंसीज ले जाती हैं, तो जिस तरीके की तैयारी है राजीव, मैं बताऊं कि ईडी ऑफिस से लेकर के राउज़ एवेन्यू जो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जगह जगह पुलिस का बंदोबस्त है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें यहां से निकाला जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग इस पूरी शुरू कर दी जाएगी और वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे रूट की जाएगी। लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रहेगी। कोर्ट के अंदर जब वो पहुंचेंगे तब भी वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी और उसके बाद लाते वक्त भी। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, जगह जगह आप देखिए, जैसे यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है पुलिस के अलावा। तो इसी तरीके से पूरे रास्ते पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देखा है कि फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती है। इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया है। क्या अर्जेंट हियरिंग होगी? क्या कोर्ट खुलते ही इस मामले को स्टार्टिंग में देखा जा सकता है? अच्छा, मैं आपके पास हिमांशु लौटता हूं। पंकज के साथ में भी कोई, पंकज प्लीज बात भी करें, बताएं। राजीव, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आदिल खान है यहाँ पर, बताइए पूरी जिम्मेदारी आप प्रदर्शन की संभालते हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, प्रदर्शन की क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रेंड अपनाया है इस देश के अंदर। आप अपनी बात संवैधानिक तरीके से नहीं रख सकते, तानाशाही के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे आपको जेल भेजा जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह बैरिकेड लगाया गया। जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए पूरी दिल्ली के अंदर बैरिकेड लगाया गया था, आज सेम उसी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता यहां पहुंचेगा, आज प्रचंड आंदोलन यहाँ होगा। कैसे आएंगे आप लोग? बैरिकेड लगा हुआ, क्या आप लोग यहाँ पहुंचेंगे? कौन कौन लोगों को आपने बुलाया है? क्या गठबंधन के नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं, कोई जानकारी है? देखिए, अभी तो आम आदमी पार्टी के लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग आ रहे हैं और ये चूंकि ओपन कॉल है, हाँ, सबके लिए है। तो कब तक चलेगा प्रदर्शन आपका? ये तो पहले प्रदर्शन शुरू होगा, उसके बाद बताएंगे कब तक चलेगा। हाँ। तो हमने 10 बजे की कॉल दी है, हाँ, ओपन कॉल है। दिल्ली की जनता आ रही है, दिल्ली के लोग आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से तानाशाही और दमनकारी सरकार नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तार, सवाल ये भी है आदिल, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लौटते हैं। आम आदमी पार्टी की इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, कोसना शुरू हो गए। हिमांशु, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो मेरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, वो तो आप बताएं और हलचलें भी बताएं कि किस तरह की वहां नजर आ रही है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो पेश किया जा सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब ईडी की टीम कल 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी, तो उसी वक्त आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो सक्रिय हो गई थी, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री का मोबाइल फोन ईडी ने रख लिया है, तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस बात की संभावना उनको लगने लगी थी कि गिरफ्तारी संभव है और उसके बाद ही वो सक्रिय हो गए थे। रात में ही एक टीम बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, पूरी तैयारी की जाएगी, तमाम सबूत जुटाए जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेकर के सुबह वो पहुंचेंगे ताकि अपनी बात को ढंग से रख सके। और लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी गलत है और पहले सम्मन को अवैध बताया जा रहा था, उन बातों को वो रखेंगे। तो देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी पार्टी अपनी अर्जी लगाती है तो कितने बजे उस पर सुनवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में भी आज अरविंद केजरीवाल को पेश करना है, उसको लेकर के अभी रिव्यू मीटिंग जो तमाम अधिकारी हैं दिल्ली के वो रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री है जिस तरीके बनाए रखे। पंकज आप भी और आशुतोष आप भी अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया इस जानकारी के लिए।